हेलो व्यूअर्स, आज का ये वीडियो क्लास 12th का है, जो चैप्टर 5 का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो का जो हेडिंग है वो है क्रोमोसोमैटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन, अर्थात मानव में कभी कभी लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो गुणसूत्रों की संख्या नॉर्मली 46 होनी चाहिए। नॉर्मली कितनी होनी चाहिए? 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, जिसमें से 44 क्रोमोसोम्स दैहिक गुणसूत्र हैं और शेष 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र हैं। तो 44 जो दैहिक गुणसूत्र हैं उन्हें प्रथम 22 जोड़े कहते हैं, और जो लास्ट का 23वां जोड़ा है वह लिंग गुणसूत्र है। तो अगर इनके 46 की संख्या में परिवर्तन हो जाए, 44 हो जाए, 45 हो जाए, 47 हो जाए, 48 हो जाए, या 23 के गुणक पर हो जाए, यानी 23 गुना 46 तो 23 दिया कितना हो गया, 23 में 3 की गुणा करो कितना हो गया 69, या 4 का गुणा करो। ये गुणक में गुणसूत्रों के हैप्लॉयड सेट को जीनोम कहते हैं, यानी गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय को, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। ये 2N है, डायप्लॉयड है और एन है हाइप्लॉयड। तो जो यन समुच्चय बनता है उसे हम जीनोम कहते हैं। तो जीनोम की संख्या द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित हो जाए, ऐसा हो सकता है, या पूरे सेट में परिवर्तन नहीं होकर उस पूरे में एक कम हो जाए या एक अधिक हो जाए। इस तरह के डिसऑर्डर्स को क्रोमोसोमैटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन कहते हैं, यानी गुणसूत्रों के संख्या में परिवर्तन। तो जैसा आपने बताया कि अगर गुणसूत्रों की संख्या में एकाधिक हो जाए, एक गुणसूत्र कम हो जाए या एक बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि पूरा जीनोम सेट मल्टीपल हो जाए, यानी 23 2N के बजाय 3N हो जाए, 4N हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। इस आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है क्रोमोसोमैटिक डिसऑर्डर को, यूपोलैरिटी सुगुणिता। क्या है सुगुणिता? सुगुणिता क्या है? जब गुणसूत्रों का जीनोम सेट यानी यन अपने गुणक में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जहां पर 2N है कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या है 2N के फॉर्म में है, उसमें 1N या तो जुड़ जाए, जुड़ जाएगा क्या बन जाएगा 3N, और कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा यन हो जाए, या फिर इसमें 1N जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा 4N। तो कम होने की स्थिति तो 1N है सर। जब कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या नॉर्मल जो है 2N होने के बजाय 3N, 4N या यन रह जाती है, तब इस घटना को हम सुगुणिता कहते हैं। आया समझ में? यानी पूरा सेट बदल जा रहा है। अब यहाँ पर सूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, जहाँ नॉर्मली 46 होना चाहिए वहाँ 46 के बजाय 3N होगा तो 69, 4 हुआ तो 92, या अगुणित तो हुआ तो 23, इस तरह की संख्या में आ जाएगा।
ऐसी घटना को यूप्लाइडी सुगुणिता कहते हैं। सुगुणिता की घटना जो है का बहुत कम उदाहरण मिलता है, जो सन 1960 में बुक और सैंटीसन ने बताया था कि मानव में कुछ त्रिगुणित हो जा रहा है, 3×69 हो जा रहा है, परंतु ऐसे मानव का जन्म होता ही नहीं है, यानी ये संसार में आते ही नहीं हैं। इसलिए इसमें से कौन सा रोग होता है, क्या लक्षण होता है, इसका कोई प्रश्न ही नहीं बनता। ऐसे भ्रूण बनते हुए भ्रूणावस्था में वो विकृत होकर नष्ट हो जाया करते हैं, जिसका पता सन 1960 ईस्वी में रूक और सैंटिसन ने लगाया था। आते हैं दूसरे पर, एमियोप्लाइड अगुणिता। ये सुगुणिता है, यानी गुणक में बढ़ गया, 2n का 3n 4n हो गया, गुणक में बढ़ गया, यन के गुणक में, यन गुणे एक यन, यन गुणे दो दो यन, यन गुणे तीन तीन यन, यन गुणे चार चार यन। तो ये गुणक में बढ़ रहा था, यन के मल्टीपल्स में बढ़ रहा था, तो इसलिए वो सुगुणिता हुआ, एनियोप्लाइडी अगुणिता। एक मीन्स एक, पूरा 46 गुणसूत्र है, उसमें एक कम हो जाए या एक गुणसूत्र अधिक हो जाए, 45 हो जाए, 47 हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसी घटना को हम एनियोप्लाइडी कहते हैं, जहां पर दो प्रकार से हो सकता है, या तो एक कम हो जाए या तो एक अधिक हो जाए। अगर एक अधिक हो जाता है तो हाइपरप्लाइडी कहते हैं, जहां पर इक्वल कितना होता है, 47, ये हाइपरप्लाइडी हो गया। और अगर ये कम हो जाता है तो यहां पर कितना हो गया, 45, ये हाइपो मतलब कम हो गया, हाइपो मतलब कम हो गया, जो फार्मूले के रूप में लिखा गया है 2n-1, यानी जहां डॉप्लाइड 46 की संख्या उसमें एक कम हो गया, 45 हो गया, और 2n+1 जहां 46 की संख्या है वहां एक अधिक हो गया, 47 हो गया, तो हाइपरप्लाइडी हो गया। और हाइपर हाइपो दोनों मिलकर के ये क्या कहलाया, एनियोप्लाइडी। अब आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। ऑटोसोमल एनियोप्लाइडी मतलब एक लिंग 23वां जोड़ा गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र है, उसमें नहीं कमी अधिकता हो रही है, कमी और अधिकता किसमें हो रही है, ऑटोसोम्स में। पहले जोड़े क्रोमोसोम्स पर हो जाए, दूसरे पर हो जाए, तीसरे पर हो जाए, चौथे पर हो जाए, ऐसे 22वें जोड़े तक, पहले से लेकर 22वें जोड़े तक के गुणसूत्र में किसी एक जोड़े में दो होने के बजाय तीन हो जाए, इसीलिए इस स्थिति को ट्राइसोमी कहते हैं। ट्राइसोमी मतलब कोई एक जोड़ा गुणसूत्र जहां दो था वहां कितने हो गए, तीन हो गए, ट्राई हो गए, इसे हम ऑटोसोम्स, जब ऑटोसोम्स पर होता है, ऑटोसोम्स दैहिक गुणसूत्रों के जोड़ों में परिवर्तन होता है, तो इसे हम ऑटोसोमल एनियोप्लाइडी कहते हैं। उसमें पहला उदाहरण है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का पता लैग डाउन ने बताया था, लैग डाउन ने बताया था 1846 में, इसीलिए उनके नाम पर डाउन सिंड्रोम। बच्चे ये ना समझे डाउन माने कम, ये वैज्ञानिक का नाम है लैग डाउन, उन्हीं के हॉनर में इस घटना को डाउन सिंड्रोम कहा गया, जिसमें 2n+1 हो जाता है, 47 हो जाता है, 47 गुणसूत्र होते हैं। तो अब ये जो ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल गुणसूत्र 22 जोड़े हैं, तो कौन सा जोड़ा ट्राइसोमी हुआ भाई, तो अगर 21वां जोड़ा ट्राइसोमी होता है, लॉकडाउन ने बताया 21वां जोड़ा ट्राइसोमी हो जाता है, यानी
21वां जोड़ा जहाँ दो गुणसूत्र हैं वहाँ तीन हो जाते हैं। इस तरह से रिमेनिंग 22 जोड़े, 22 × 44 और 21वां जोड़ा पर 3 × 44 = 47 गुणसूत्र हो गए। अब इस गुणसूत्र हो जाने से इस शिशु का जन्म होगा, परंतु उसे मंगोलियन बेवकूफी नामक रोग होगा। मंगोलियन बेवकूफी क्यों कहा गया है? इसका चेहरा मंगोलों की भांति गोल होगा, अब बुद्धि से बेवकूफ होगा, इसीलिए इस रोग का नाम मंगोलियन बेवकूफी रखा गया है। मंगोलियन बेवकूफी में ये होगा कि इसका मुंह हमेशा खुला रहेगा, जीभ मोटी होगी, चेहरा चपटा होगा, हड्डियाँ यहाँ की हंसली की हड्डियाँ निकली हुई होंगी, माथा चपटा होगा, आधे सर पर बाल नहीं होंगे, बेवकूफ होगा। इस घटना को कहा गया मंगोलियन बेवकूफी। ऐसे बच्चे अधिकतम 20 वर्ष तक ही जिंदा रहते हैं, वैसे जनरली यह 12-14 साल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके सब कुछ सामान्य होते हैं, जनरली यह पुरुषों में होता है और यह पुरुष नपुंसक होते हैं। यानी इस तरह रोग से ग्रसित व्यक्ति पुरुष हो या मादा हो, स्त्री हो, वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता है। जबकि लिंग सूत्रों में परिवर्तन नहीं, फिर भी इसका इफेक्ट ऐसा है, ये संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता। लक्षण देखेगा क्या होगा, नाम है मंगोलिया, चेहरा मंगोल की भात गोल चपटा, नाक चपटी, आंखें बैठी हुई, होंठ मोटे निकले हुए, जीभ मोटी, मुंह हमेशा खुला हुआ, लार टपकता रहेगा, ये हंसली की हड्डियां बाहर निकली हुई, बुद्धि से बेवकूफ, इसीलिए नाम है मंगोलियन बेवकूफ। इन बच्चों की उम्र नॉर्मली 12 से 14 वर्ष होता है, बहुत अच्छी देखरेख हुई तो ये 20 वर्ष तक जिंदा रहते हैं, इससे आगे जिंदा नहीं रहते। दूसरा है पटाउन सिंड्रोम, इसमें भी 2n+1 हो जाता है। पटाउन सिंड्रोम में भी 2n+1 हो जाता है बराबर 47। पटाउन सिंड्रोम यह भी 47 गुणसूत्र है। फर्क क्या है, इसमें 13वां जोड़ा क्रोमोसोम ट्राइसोम हो जाता है, जैसे इसमें 21वां जोड़ा होता है, इसमें 13वां जोड़ा हो जाता है और 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जन्म लेने के 1 से 3 माह के अंदर ही मर जाते हैं, आज तक कोई इससे ज़्यादा जिंदा पाया नहीं गया है। फिर इसके लक्षण भी क्या बताए, इनकी हड्डियां ही नहीं बन पाती हैं। तीसरा है एडवर्ड्स सिंड्रोम, जिसका पता जीएस एडवर्ड ने लगाया था। देखो पटाउन सिंड्रोम पटाउन ने लगाया था, डाउन सिंड्रोम डाउन ने लगाया था, एडवर्ड्स सिंड्रोम एडवर्ड ने लगाया था, ये भी 1960 में लगाया था, ये भी 1960। इसमें 18वां जोड़ा ट्राइसोमी हो जाता है और कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये कभी ज़्यादातर तो जन्म ही नहीं पाते हैं, जन्म पाते हैं तो 6 माह से 1 वर्ष के अंदर इन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अर्थात समाज में अगर देखने को मिलेंगे कहीं कभार तो मंगोलियन बेवकूफी वाले मिलेंगे, ये सब मिलते नहीं हैं, परंतु ऐसे रहता है। अब देखिए ये 3 मुख्य और भी हैं जो 47 गुणसूत्र सब में हुआ, इसमें भी 47 गुणसूत्र हो गए, इसमें भी 47 हो गए और इसमें भी 47 हो गया, तीनों में 47 है, इसमें भी 2n+1 है और ये भी 47, क्योंकि एक बड़ा है। तो 47 गुणसूत्र वाले 3 तरह के हैं, डाउन सिंड्रोम, पटाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, और भी हैं लेकिन यही 3 आपके कोर्स में है। अब हम देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स एनियोप्लाइडी। सेक्स क्रोमोसोम्स यानी 23वें जोड़े गुणसूत्र में जो पुरुष में कैसा होता है, सामान्य पुरुष में, सामान्य पुरुष में 23वां जोड़ा एक्स वाई होता है और सामान्य महिला में, सामान्य स्त्री में 23वां जोड़ा यक्स और वाई, यक्स और यक्स होता है, ये सामान्य।
यहीं पर इसकी संख्या में परिवर्तन होकर 47 हो जाता है। इसमें भी टोटल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, लेकिन यहां कम भी होता है। यहां देखिए, अगर टर्नर सिंड्रोम दो प्रकार के बताया गया, 23वें जोड़े में प्लस या माइनस हो जाते हैं, चाहे एक कम हो जाए या अधिक हो जाए, 23वें गुणसूत्र में एक कम या अधिक हो जाता है, तो इसे सेक्स क्रोमोसोमल एनियोप्लाइडी कहते हैं। दो तरह का है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक कम हो जाता है, यानी 44 दैहिक गुणसूत्र अच्छे से है, लेकिन यहाँ एक्स है, इसको प्रदर्शित करने के लिए जोड़े को ओ लिख दिया जाता है, यानी वो मतलब वो नहीं है। सेकंड वाला जो इस तरह से वाई या एक्स होना चाहिए, नहीं है, ऐसे को गुणसूत्र टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अगर यदि ये जन्म पा जाते हैं तो ये भी बहुत 3 या 4 वर्षों तक जीवित रहते हैं, अन्यथा मर जाते हैं और ये मादा नहीं होती हैं, परंतु इनके लैंगिक अंग बिल्कुल ही विकसित नहीं होते। दूसरे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसे क्लाइनफेल्टर ने पता लगाया था सिंड्रोम, इसे टर्नर्स ने पता लगाया था सिंड्रोम, इसमें एक संख्या बढ़ जाती है, 23वें जोड़े क्रोमोसोम में या तो एक्स या वाई बढ़ जाते हैं। जैसे यहां वाई है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये डबल वाई हो जाए, ऐसा भी हो सकता है डबल एक्स हो जाए या ट्रिपल एक्स हो जाए। 23वें जोड़े क्रोमोसोम में चाहे एक्स की संख्या बढ़ जाती है या वाई की संख्या बढ़ जाती है, ये इस तरह से 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इसमें निम्न घटनाएं मिल सकती हैं, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, देखिए यहां पर एक एक्स वाई। अब एक्स जो है वो मादा गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए मादा जैसे होगा तो ये नर, लेकिन इसके बड़े बड़े अस्तन बन जाएंगे और ये बंद होगा, इसमें शुक्राणु जनन नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है 2y हो जाए तो ये प्रबल नर होंगे, मंद बुद्धि वाले होंगे, या 3x हो जाए तो ये प्रबल मादाएं होंगी, ये भी मंद बुद्धि वाले होंगे। ये सब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हैं। इस चैप्टर में एक घटना और है, वो आप देख लें, बारबाडी। अब देखें बारबाडी क्या है। बारबाडी स्त्रियों के लार की कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में उपस्थित लिंग गुणसूत्रों स्त्रियों के दैहिक कोशिकाओं के में उपस्थित लिंग गुणसूत्रों या बिल्लियों की कोशिकाओं में मादा बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं में जो गुणसूत्र पाए गए, उस गुणसूत्र पर एक घना पिंड दिखाई दिया। बिल्लियों की कोशिकाओं के ये कोशिका है, इसमें केंद्रक है, केंद्रक पर गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र पर कहीं कहीं घने पिंड है, इन्हीं को वॉर बॉडी। इसका पता मूरे ने लगाया था, इसकी सहायता से, चूंकि इसकी बॉर बॉडी केवल मादाओं में पाए जाते हैं, अतः इसका टेस्ट करके गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता लगाया जा सकता है। बस इतना ही है। मूरे और बार ने स्त्रियों एवं बिल्लियों की कोशिका झिल्लियों की तंत्रिका कोशिकाओं से
केंद्रक कला से चिपका छोटा सा पिंड देखा और इसी को उनके नाम पर बॉर बॉडीज नाम दिया गया। इनकी उपयोगिता यह है कि इनमें यक्ष गुण सूत्रों की संख्या कम होती है, अतः बार बॉडी स्त्रियों की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इससे जो है गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता लगाया जा सकता है। त्वचा की कोशिकाओं, मुखगुहिका की कोशिकाओं में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये स्त्रियों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, क्योंकि जो यक्ष गुण सूत्र है लिंग गुण सूत्र का, वह ऐसे अक्रिय रूप में पिंड बना देता है जिसे बार बॉडी कहते हैं। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब